हेलो एवरीवन मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का रे पर स्वागत करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री एम एच जीरो टेन का लेसन सिक्स का पार्ट टू पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के वस्तुओं के विस्तार और संरचना के बारे में पार्ट वन के अंदर में हमने डिटेल में समझा कि हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों का विस्तार किस प्रकार से हुआ उनकी संरचना किस प्रकार से बनी उनके नगर नियोजन की पद्धति किस प्रकार थी किसकी थी किस तरह से नगरों का निर्माण किया गया योजना किस प्रकार से बनाए गए स्थान दीवार चबूतरे उसके बारे में समझा हड़प्पा नगर के अंदर में जो किलेबंदी की प्रक्रिया थी उसको समझा किस तरह से किया गया उसको समझा हमने स्टेप विधि रैंप विधि क्या होता है वो हमने जाना साथ साथ में हमने जाना स्थानों को उपयोग के बारे में कि घरेलू और गैर घरेलू तरीके से स्थानों का उपयोग किस तरीके से किया गया तो डिटेल में हमने पूरा ये टॉपिक क्लियर कर लिया था पूरा लेसन क्लियर कर लिया था जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हमने पढ़ा समझा कि कैसे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को थोड़ा डिटेल में मैप के थ्रू जो आपके बुक में दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट मैप्स हैं आपको जानना चाहिए देखना चाहिए चलिए हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने पढ़ लिया पार्ट वन देखोगे उसके बाद ये देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की तो यहाँ पर पार्ट टू के अंदर हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर में मैप किस तरह से हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ ठीक है हड़प्पा सभ्यता बना कैसे उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखो हड़प्पा सभ्यता के लिए एक मैप यहाँ पे दिया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है देखो ये सबसे पहले ये वाला मैप लेते हैं हम सब सबसे पहला मैप यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता को देखोगे तो ये जो पूरा एरिया है, नीचे का जो एरिया है ये गुजरात का है आज के समय में जो हमारा गुजरात है उस, उसका ये पूरा एरिया है ये जो पूरा ये ग्रीन लाइन है ठीक है जो जहां जहां भी ग्रीन लाइन दिख रही है जैसे गुजरात से निकलता हुआ ये पूरा दिख रहा है आपको ग्रीन लाइन ठीक है जितने भी गुरु ग्रीन लाइन है ना ये सारे हड़प्पा सभ्यता के विस्तार को दिखाते हैं इन्हीं एरियाओं के अंदर में हड़प्पा का साक्ष्य में मिलता है डोमेन मिलने देखता है कि सबसे ज्यादा विस्तार यहाँ पे रहा होगा ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देख सकते हो जो आज के पंजाब में ठीक है गुजरात में ठीक है हरियाणा के अंदर में राजस्थान के अंदर में पाकिस्तान के अंदर में ये पूरा यहाँ पे आपको देखने के मिलता है इवन अफग़ानिस्तान तक के इसके साक्ष्य मिलते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे दूसरा अगर इमेज की बात करोगे दूसरा जो मैप है यहाँ पे ये हड़प्पा सभ्यता के बस्तियों का मैप है कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता के जो मोहन जोधड़ों की जो बस्तियाँ थी ठीक है उनका किस प्रकार से निर्माण हुआ किस तरह से बना और ये भारतीय पुरा सात्विक सा, सर्वेक्षण विभाग के द्वारा ये दिया गया है ठीक है अब देखो ये बस्तियों के मैप को देखोगे तो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि जैसे गलियों का निर्माण किस प्रकार से किया गया ये सारी बस्तियाँ जो रेड में दिख रही हैं आपको ना ये सारी बस्तियां थी किस तरह से घनी आबादी वाले जो बस्तियाँ थी वो देखने के लिए मिलता है ठीक है जैसे कि ऊंचाई पे बना हुआ है नीचे पे बना हुआ है सारा यहाँ आपको डिटेल में समझने के लिए मिलेगा ठीक है तो ये यहाँ पे देखा जाता है और वस्तु का निर्माण किस विधि से हुआ रैम्प विधि से हुआ स्टैम्प स्टैप विधि से हुआ ये भी आपको इसके तहत समझने में आएगा क्योंकि अगर किसी एक चीज़ को केंद्र में मानकर एक चीज़ को केंद्र बनाकर वस्तु का निर्माण हुआ है तो हम उसको स्टेप विधि के अंदर में लेके चलते हैं जबकि धीरे 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 स्लोली स्लोली हुआ है तो हम उसको रैम्प विधि के अंदर में लेके चलते हैं तो इस तरीके से भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है आगे मैं बात करूँ यहाँ पे जो इमेज उपयोग की गई है यहाँ पे कालीबंगन हड़प कालीबंगन का एक इमेज है जहाँ पे किस तरह से नगर जो थे मतलब किस तरह से इंडस वैली के अंदर में नगरों का निर्माण था ठीक है नगर किस तरह से बने थे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है ठीक है किस तरह से नगर थे देखोगे आप यहाँ पे कि कैसे कैसे नगर बनाए जा रहे थे ठीक है जैसे रिवर के किनारे में ही ज़्यादातर जो सभ्यता थी वो रिवर के किनारे में विकसित हुई देखो यहाँ पे नदी है ठीक है तो नदी के किनारे के अंदर में ही ये सच्छे मिले प्रमाण मिले जहाँ पे किस तरह से गलियों का निर्माण ये जो लाइनें ऐसे दिख रही हैं ये सारी गलियाँ हैं इसके आसपास में घरों का निर्माण किया गया और देखोगे गलियाँ जो होती है ना सीधी सीधी है जिस जगह पे मैं रहता हूँ ना वहाँ पे आसपास में कोई गली मुझे नहीं दिखती जो सीधी जा रही हो पर उस समय पे भी जो गलियाँ होती थी एकदम 90 डिग्री एंगल पे काटती थी आप ये पूरा देखोगे ना यहाँ से देखो यहाँ से पूरा यहाँ पे आ रहा है पूरा एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता हुआ पूरे में सभी जगह पे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता हुआ दिख जाएगा आपको ठीक है तो इस तरीके से गलियों का निर्माण किया जाता था तो ये यह आपको यहाँ पे देखना है ध्यान रखना है और इस वीडियो की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कई बार हम पढ़ते हैं बट हम जब उसको देखते हैं तो अलग तरीके से इमेज बनता हुआ चला जाता है माइंड में कि अच्छा ये चीज़ ऐसा रहा होगा ठीक है तो उसके लिए भी आपको मानना है और देखना है सॉरी यहाँ पर हम देखेंगे दूसरी चीज़ यहाँ पर जो हमें नोट करने वाली चीज़ है कि ज़्यादातर जो साक्ष्य में मिलते हैं नदियों के किनारे पर ही मिलते हैं तो उसका रीज़न क्या हो सकता है तो नदी के किनारे का रहने का मेन रीजन क्या रहता है कि यातायात यात का एक साधन के तौर पर भी नदी वर्क करता है दूसरी चीज़ क्या जीवन व्यापन के लिए आधार बन जाता है पानी की आवश्यकता है तो आप नदी का उपयोग कर सकते हो भोजन की आवश्यकता है तो नदी का उपयोग कर सकते हो तो इस तरीके से नदी बहुत ज्यादा एक मेन रिसोर्स के तौर पर संसाधन के तौर पर उपयोग किया गया इंसानों के द्वारा जिसके कारण से ज्यादातर जो प्रमुख शहर थे या फिर उनका निर्माण जो प्रमुख शहरों का हुआ नदी के किनारे ही देखा जाता है दिल्ली यमुना नदी के किनारे है बनारस लखनऊ इलाहाबाद कहीं भी देख चले जाओ जो बड़े बड़े शहर है ना वो नदी समुद्र तालाब के किनारे ही विकसित हुए हैं क्योंकि पानी मेन रिसोर्स के तौर पे देखा जाता है ठीक है आप अगर डिस्कवरी देखते होगे ना तो देखोगे वहाँ पे जानवरों को पकड़ने के लिए नदी के किनारे ट्रैप लगाया जाता है क्योंकि पता है पानी मेन चीज़ है उनके लिए अब देखो यहाँ पे एक और एक इमेज है ठीक है जो यहाँ पे सुरकोटा सुरकोटेट का नक्शा आएगा ये ठीक है ये भी भारतीय पुरातात्विक विभाग के द्वारा रखा गया यहाँ पर लाया गया है जिसके अंदर मैं देखो किस तरीके से यहाँ पे uh, रेजिडेंट एरिया कौन सा है किस तरीके से बनाया गया देखो यहाँ पे लिख रखा उन्होंने रेजिडेंटल एरिया किस तरीके से बना निर्माण हुआ ठीक है उसके बारे में डिपेंड बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे घर और देखने के लिए मिलते हैं कौन कौन से घर कैसे थे ठीक है इंट्रेंस किस तरह से जैसे घरों का निकलने के लिए बाहर निकलने के लिए, कि लिए किया गया ठीक है यहाँ पे एस आई आर ए वन ऐसे करके ये अलग अलग उनका नाम होगा रैंप जैसे अभी ये जैसे रैंप आर एम पी रैंप हो गया तो जैसे अब नगरों का निर्माण किस तरह से हो रहा था बनता कैसे जा रहा था वो भी यहाँ पे बताया गया किस तरीके से बनाए ये इंट्रेंस मतलब क्या यहाँ से गेट होगा घुसने के लिए बाहर निकलने के लिए जैसे यहाँ पर भी इंट्रेंस लिख रखा है ठीक है तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि किस तरह से हड़प्पा के नगरों का निर्माण किया जा रहा था ठीक है आगे हम देखते हैं आगे यहाँ पे कुछ और मैप्स हैं जो आपको देखना है ये लोथल का मैप है लोथल के अंदर का कि लोथल के अंदर में किस तरह व्यवस्था थी तो इसको अगर आप समझोगे तो यहाँ पे देखोगे इस नक्शे के अंदर में क्या दिखाया गया है तो पूरा जो एशियंट रिवर था जो बीट रिवर था उसको यहाँ पे दिखाया गया साइड से कि किस तरीके से नदी बह रही है पूरा ही देखो ये पूरा ये रिवर है नदी है ठीक है नदी और यहाँ से इस नदी के पास से यहाँ पे देखोगे तो ये व्यवस्था यहाँ पे एक पाइप जैसी व्यवस्था दी गई है ठीक है इस नदी के अंदर में तो इस यहाँ पे ये देखो ये पाइप जैसी व्यवस्था है ये सा जल निकासी जैसी व्यवस्था हो सकती है ये मान के चल सकते हैं हम यहाँ पे ठीक है ब्लॉक ए ब्लॉक बी ये अलग अलग नाम से लोअर टाउन हो गया इधर का ठीक है अपर टाउन लोथल के अंदर में ज्यादातर जो व्यवस्था थी लोअर टाउन की देखी जाती है ठीक है लोथल के अंदर में लोअर जो निचला शहर था वो देखा गया तो निचला शहर के अंदर में दोनों तरह की चीजें मिलती हैं ठीक है गैर घरेलू और घरेलू दोनों तरह के साक्ष्य में मिलते हैं तो यहाँ पे आप उसके प्रमाण देख सकते हो जैसे वेयर हाउस है जहाँ पे सामान उमान रखा जाता होगा

आगे एक और मैप आने वाला है उसको भी हम देखते हैं और समझते हैं कि क्या मैप है ठीक है घरेलू और गैर घरेलू संदर्भ मैंने आपको पूरा बता चुका था अब देखो यहाँ पे घरेलू और गैर घरेलू संदर्भ में ये मैप है पूरा ठीक है और इस मैप का ये छोटा सा जो पार्ट है ना ब्लू वाला उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से रहा होगा अब देखो नंबर एक मतलब इंट्रेंस है जहां से निकला जा सकता है तो देखो ये इस पूरे घर के अंदर में दो जगह गेट दी गई है एक जगह दो जगह और जहाँ जहाँ पे बाथरूम जैसी जो चीज़ें थी लैट्रिन बाथरूम जो बनाया गया था शौचालय बनाए गए थे स्नानागार बनाए गए थे उसके अंदर में हमेशा सिंगल बाथरूम सिंगल गेट बनाया जाता था पर जो घर होते थे मेन घर होते थे तो उसके अंदर में एक से अधिक गेटों का निर्माण किया जाता था ठीक है किस तरह से आप देखो रूम कौन कौन से कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं वो सारा बता रखा है कि एक घर के अंदर में किस तरह से रूमों की व्यवस्था थी वो बताया गया है और एक घर का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया जबकि आप इस इमेज में देखोगे तो पूरा आपको घरों के समूह देखने के लिए मिल जाएंगे आपको यहाँ पर दूसरा भी यहाँ पे एक और इमेज देगा इसको भी हम देखते हैं तो ये भी आपको घर का एग्जाम्पल मिलता है कि घर किस तरह से निर्माण किए गया था जैसे रूम 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 ठीक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है ये बनावली जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर में घरों के साक्ष्य मिले नगरों के साक्ष्य मिले तो बनावली का यहां पे स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है कि बनावली के अंदर में किस प्रकार के थे तो अलग अलग जगहों के हिसाब से किस किस तरह के स्ट्रक्चर में मिले उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है तो आपको थोड़ा सा इस पर भी टाइम निकाल कर थोड़ा सा तो समझने की कोशिश करना है कि किस तरह से नगरों के हमें साक्ष्य मिलते हैं लोथल की अगर आप बात करोगे तो लोथल का ये है घर का डिजाइन है ठीक है किस तरह से देखो अबीटो का उपयोग किया गया ठीक है कितने डिग्री पे किया गया कैसे किया गया सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और

ये इस तरीके से यहाँ पे किया गया जैसे ये स्ट्रीट है स्ट्रीट वन स्ट्रीट ठीक है ये घर हो गए घर के अंदर में किस तरह से घर बनाया जा गया है वो सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है ठीक है समझ में आता है तो इस तरीके से यहाँ पे घरों का निर्माण किया जा रहा था आगे कुछ और मैप नहीं है यहाँ पे खत्म होता हमारा ये तो ये वीडियो यहीं पर एंड करेंगे नॉर्मली इस वीडियो का मोटिव ये था कि आपको बताना रूबरू करवाना कि कौन कौन से मैप है किस तरह के मैप है और जो आपने पढ़ा वो किस तरह का है कि आप उसको रिलेट कर सको कि स्टेप विधि के अंदर में क्या था रैंप विधि के अंदर में क्या था ठीक है घरेलू और गैर घरेलू क्या थे उसको आप रिलेट कर सको अब आपको बेनिफिट तब होगा जब आप इसको बुक को स्टडी करोगे उस मैप को मैच करोगे उस स्टडी करे हुए मटेरियल से तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ आता है और किस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूँगा और रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से दोबारा एक बार कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आपके एक एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन होता है हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको भी साथ में लेकर बढ़ने की कोशिश करते हैं आपके लिए मेहनत कर पाते हैं अच्छी वीडियो बना पाते हैं तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग बबा टे ऑल द बेस्ट